हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में सिरके वाली प्याज की रेसिपी। आज घर में ही हम सिरके वाली प्याज बनाकर तैयार करेंगे। जो रेस्टोरेंट में हमें खाने के साथ दी जाती है, वैसे ही बिल्कुल रेड वाली प्याज आज हम घर में ही बनाकर तैयार करेंगे। और देखिए, इनका कलर भी बिल्कुल ऐसे है जैसे हमें रेस्टोरेंट में खाने के साथ दी जाती है, बिल्कुल ऐसा ही। और इसका टेस्ट भी उनसे भी अच्छा आएगा। और घर में ही हम इनको बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए, अब इनको हम बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल होममेड रेसिपी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए, अब इनको हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए प्याज। यहाँ देखिए, मैंने बिल्कुल छोटी छोटी प्याज ली है। देखिए, ऐसे ही हमें छोटी छोटी प्याज लेनी है, ज़्यादा हमें मोटी नहीं लेनी है। आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट में भी बहुत छोटी छोटी हमें खाने के साथ प्याज मिलती है, ऐसे ही हमें भी छोटी छोटी प्याज लेनी है। यह कम से कम 300 ग्राम के आसपास होगी, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले लीजिए। पहले हम देखें, यहाँ एक बर्तन में पानी ले लेंगे और प्याज को छील छील कर इस पानी में हम डाल देंगे। सारी प्याजों को हम पहले छील लेंगे। अब ये देखिए, हमने इन सारी प्याजों को छील लिया है। ये देखिए, अब इनको हम पहले अच्छे से इनको धो लेंगे। प्याज में से इनका ये सारा पानी हम निकाल लेंगे और इसको एक बार धो लेंगे प्याज को। ये देखिए, प्याज को हमने धो लिया है। और अब देखिए, इन प्याज को हम बीच में से कट लगा लेंगे। देखिए, ऐसे एक बीच में से ऐसे और एक बीच में से हमें ऐसे कट लगाना है। और देखिए, हमें पूरी प्याज में कट नहीं लगाना है। ये देखिए, हाफ हाफ प्याज में हमें ऐसे कट लगाना है, पूरी प्याज को नहीं काटना है। ये देखिए, जैसे मैं लगा रही हूँ हाफ हाफ प्याज में, ऐसे और ऐसे सारी प्याज में हमें ऐसे ही कट लगा लेना है। ये देखिए, सारी प्याज में हमें ऐसे कट लगा लेंगे। हमने कट लगा लिया है। अब इनमें हम पानी डालकर थोड़ी देर रख देंगे साइड में। इसके लिए हम अब और तैयारी कर लेते हैं तब तक। यहाँ देखिए, मैंने एक चुकंदर ले लिया है, बीटरूट, इसको पहले हम छील लेंगे। ये देखिए, इसको हमने छील लिया है। और एक नींबू ले लिया है, कुछ हरी मिर्चें भी ले ली है हमने। हम बीट रूट को पहले काट लेते हैं, इसके छोटे छोटे पीसेज कर लेंगे। और हरी मिर्च को बीच में से ऐसे कट कर लेंगे। देखिए, बीच में से हमें इसके दो हिस्से कर देने हैं हरी मिर्च के, ऐसे बीच में से इसको हम कट कर लेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे। देखिए, हम इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे, ये 1 कप और ये 1/2 कप। देखिए, 1.5 कप इसमें हमने पानी डाला है और 1.5 कप इसमें हम सिरका डालेंगे। जितना हमें पानी डालेंगे उतना ही इसमें हमें सिरका डालना है। देखिए, 1.5 कप मैंने इसमें पानी डाला है और 1.5 कप इसमें हम सिरका डाल देंगे। अब इसमें फ्लेवर के लिए हम 2 तेज पत्ते डाल देंगे, 1 टुकड़ा हम इसमें दालचीनी का डाल देंगे, 1.5 चम्मच इसमें हम चीनी डाल देंगे। फिर हम नींबू लेंगे और 1 कद्दूकस लेंगे और जो नींबू का छिलका है उसे घिसकर इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हम जो हमने बारीक हरी मिर्ची काटी थी वो इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। फिर जो हमने बीटरूट काट के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। बीटरूट से इसमें बहुत ही अच्छा कलर आता है। देखिए, अभी बीटरूट ने कलर छोड़ना शुरू कर दिया। देखिए, हमारा पानी रेड रेड होने लगा है। अब इसमें हमने जो प्याज काट कर रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे, जो बीच में से हमने कट लगाया था वो इसमें हम डाल देंगे।
ये देखिए इसमें हमने ये प्याज डाल दिया है और एक बार चम्मच से सारी चीजों को हम मिक्स कर देंगे। अब हम एक कांच का जार ले लेंगे और देखिए उसमें इसको हम डाल देंगे। फिर इसको ढक्कन लगाकर हम 15 से 16 घंटे के लिए इसको हम ऐसे ही रखे रहने देंगे। अब 15 घंटे के बाद इसको हम देखेंगे। अब ये देखिए हमें 15 से 16 घंटे हो गए हैं इसको रखे हुए। ये देखिए बिल्कुल पानी देखिए रेड हो गया है। अब देखिए मैं इसको बर्तन में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी सिरके वाली प्याज बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए देखिए बिल्कुल रेड हो गई है और देखिए जैसे रेस्टोरेंट में मिलती हुई है बिल्कुल ऐसी ही हमारी ये बनकर तैयार हो गई है। तो दोस्तों अब आप भी घर में सिरके वाली प्याज बनाकर तैयार कर सकते हो जैसे कि हम रेस्टोरेंट में खाते हो, उससे भी टेस्टी ये प्याज आप बनाकर घर में ही तैयार कर सकते हो। और देखिए इसमें हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ी सी मेहनत में ही बहुत अच्छी हमारी ये सिरके वाली प्याज बनकर तैयार हो जाती है। तो आप घर पर ही इस प्याज को खाने के साथ खाइए और बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट जैसा स्वाद आएगा, बल्कि उससे भी अच्छा आपको इसमें स्वाद आएगा। तो आप बनाइए इनको फटाफट और खाइए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए मैं आपको काट कर भी दिखा रही हूँ। ये देखिए अंदर तक इसका रस गया है। ये बहुत ही अच्छी सिरके वाली प्याज बनी है। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।